बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन शेखानी, चेयरमैन आबाद एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर ऑफ पाकिस्तान। आज मैं आबाद के मेंबर्स से और बिजनेस कम्युनिटी से कुछ बात करना चाहूँगा। जो हालात हैं, अनसर्टेनिटी हमारी पॉलिटिकली और फाइनेंशियली दोनों तरफ से, और इन हालात में मैं समझ रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो रहा है बिजनेस कम्युनिटी को अपना रोल अदा करना, अपना कारोबार करना। और जब तक इन हालात में रहेंगे, जब तक अनसर्टेन रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट होंगे, हम आने वाले वक्तों में लोगों के साथ, जो पब्लिक के साथ कमिटमेंट है, वो पूरा कर पाएंगे। तो मेरी ख़ास कर बिजनेस कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट है कि वो समझे अपनी इम्पोर्टेंस। हमें बिजनेस कम्युनिटी को इस वक्त समझना चाहिए कि वो क्या रोल है उनका। मैं समझता हूँ कि जो पूरे पाकिस्तान का टैक्स देना, रेवेन्यू इकट्ठा करना और पूरे मुल्क को चलाना, लेकिन इत्तेफाक है कि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को पता ही नहीं है हमारी इम्पोर्टेंस। इस वक्त में अगर हम नहीं खड़े रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में बिजनेस करना या हम लोगों को सेफ करना या जो हमारे पब्लिक में कमिटमेंट है उनको पूरा करना, मैं नहीं समझता कि आसान होगा, बहुत मुश्किल होगा। और इस वक्त ज़रूरत है बिजनेस कम्युनिटी को कोई ऐसा रोल अदा करने की ताकि आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान को सेव कर सकें, अपने शहरों को सेव कर सकें, अपने प्रोविंस को सेव कर सकें। मेरी जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे खासकर जितने भी चैम्बर्स के लोग हैं, हमारे फेडरेशन FACCI के लोग हैं, कराची बार के हवाले से, प्रोफेशनल से, सबसे अपील है कि इस वक्त अपना रोल अदा करें और हम जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसा हो कि वो हम अपने कमिटमेंट्स पूरे कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारे ही कमिटमेंट फेलियर हो जाए, इसलिए कि हमें अपना ही नहीं पता आने वाले वक्तों में कि हमारे करेंसी का क्या हाल होगा, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसकी पोजीशन का नहीं पता चलता, अनसर्टेनिटी होती है। तो पूरी दुनिया से ना इन्वेस्टमेंट्स आती है, ना कोई माहौल बन रहा है, ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नज़र आ रही है, हुकूमत का भी कुछ नहीं पता चल रहा। तो ये बहुत बुरे हाल है इस कंट्री के, और आने वाले वक्तों में मज़ीद बुरे से बुरे नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का रोल है कि वो आए सामने और अपना रोल अदा करें, अपने कमिटमेंट अपने मुल्क को सेव करें। तो मैं एज अ चेयरमैन आबाद रिज़ाइन करता हूँ अपनी सीट से भी, और एज अ पैटर्न और चीफ आबाद जो था वहाँ से रिज़ाइन करते हैं, और हमें कोई आने वाले वक्तों के लिए लाहे अमल बनाना पड़ेगा। तो मैं पूरी बिजनेस कम्युनिटी से माजरत करता हूँ, अपने मेंबर आबाद से भी माजरत करता हूँ। और इस वक्त इस मुल्क को हम सब की ज़रूरत है, हमें कोशिश करनी चाहिए हम किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकें, फाइनेंशियली भी और इकोनॉमी को किस तरह बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।